हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर पे। लास्ट क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कुल 34 क्वेश्चंस किए थे और कुछ कंसेप्ट भी देखे थे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए और क्या क्या टॉपिक्स में हमें स्प्रेडशीट क्या होती है, वर्ड रैप क्या होता है, उसके अलावा आपके पास हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ये सब कुछ चीज़ें हमने चेक करी थी। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन के इन दौर को, और अगर बीच में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या फिर चीज़ें हमारे पास में आएंगी तो हम उन्हें भी कंसीडर करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। दिया हुआ है, यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग विच बटन। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मुझे ना कराने की वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन का आंसर होगा स्टार्ट। ठीक है, ये कोई मतलब का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट क्लास में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि एक्सेल के अंदर आपको अगर चार्ट प्रिपेयर करना है तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके चार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और एक दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि इन इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन, किस ऑप्शन से चार्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कौन सा, विजार्ड, चार्ट विजार्ड। इसको नाम दे दिया गया है बस, पर्टिकुलरली है ये वही चीज कि इंसर्ट में जाके आप चार्ट पे क्लिक करके चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसको नाम क्या दे दिया गया है, चार्ट विजार्ड। ठीक है, वहीं पे आपको ये पाइवोट का ऑप्शन भी मिलता है, पाइवोट टेबल, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब चार्ट्स के टाइप होते हैं, ये भी आपको वहीं पे दिखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे। इन पेज प्रीव्यू मोड, जैसे आपने कभी सुना होगा कि जब भी हम प्रिंट लेते हैं तो उससे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देते हैं ना, प्रिंट प्रीव्यू, उसी तरीके से एक होता है पेज प्रीव्यू। एक्चुअली पेज प्रीव्यू क्या होता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है आप उस डॉक्यूमेंट के सभी पेजों को देखना चाहते हैं कि उनका अलाइनमेंट सही है कि नहीं, मैंने जो भी उन कंटेंट उनके अंदर लिखा है वो प्रॉपर है कि नहीं, तो आप उन सभी पेजों को एक साथ देखना चाहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पेज प्रीव्यू कहते हैं, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा। यू कैन सी ऑल पेजेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट, आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस को एक साथ देख सकते हैं, किसमें, प्रिंट प्रीव्यू, सॉरी पेज प्रीव्यू में। और प्रिंट प्रीव्यू में क्या कर सकते हैं आप, प्रिंट प्रीव्यू में प्रिंट देने से पहले आप ये देख सकते हैं कि कहीं मेरा कोई कंटेंट कट तो नहीं रहा, जिस कंटेंट को मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूं उसका फॉर्मेट तो ठीक है, ये सारी चीजें आप किसमें देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में। तो यहां पे आंसर क्या होगा, यू कैन सी ऑल पेजेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइल एक्सटेंशन का है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं फाइल एक्सटेंशन क्या चीज है। फाइल एक्सटेंशन किसी भी फाइल के नेम का एड्रेस बताती है। तो फाइल एक्सटेंशंस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, किस ऑर्डर में यूज की जाती हैं फाइल एक्सटेंशन। तो आंसर क्या होगा इसका कि किस ऑर्डर में फाइल एक्सटेंशन यूज की जाती है। तो फाइल एक्सटेंशन आर यूज इन ऑर्डर टू आंसर द फाइल नेम इज नॉट लास्ट। ठीक है, क्या कि सॉरी द फाइल नेम इज नॉट लास्ट नहीं, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। इसका आंसर क्या होगा, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। क्या बताता है फाइल एक्सटेंशन क्या बताता है हमें, ये बताता है कि फाइल की टाइप क्या है। जैसे आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी हम वर्ड के अंदर काम करते हैं तो वर्ड के अंदर हमारे पास में फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट डॉक होता है। तो अगर मैं कोई फाइल बनाता हूं HIUP करके, डॉट डॉक की ये कोई मैंने एक फाइल बनाई, तो ये HIUP तो क्या है, ये फाइल का नाम है, और डॉट डॉक क्या है, ये टाइप बता रहा है कि भैया ये एक वर्ड फाइल है। ये कैसी फाइल है, एक वर्ड फाइल है। तो फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल। मेरे हिसाब से अब दोबारा इसको बताने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर लगा दूं, आंसर इज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एक ऐसी चीज है जो कि क्या करती है, ये सारे काम परफॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच एलिमेंट्स ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी डिस्प्ले इन कलर। कौन सा एलिमेंट ऐसा है वर्ड डॉक्यूमेंट का जो कि डिस्प्ले कलर में किया जा सकता है, ओनली ग्राफिक,
ओनली टेक्स्ट ऑल एलिमेंट्स बट ओनली इफ यू हैव अ कलर प्रिंटर। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राफिक्स को भी आप कलर फॉर्म में रख सकते हैं, टेक्स्ट को भी रख सकते हैं। तो आंसर ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स को आप ग्राफिकल फॉर्म कलर फॉर्म में कर सकते हैं, किसके अंदर, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कीबोर्ड शॉर्ट की बोल्ड सेलेक्ट टेक्स्ट, मैंने आपको बताया था बोल्ड करने के लिए क्या यूज करोगे, जब हमने एब्रीवेशंस में पहले जब शॉर्ट कीज पढ़े थे एक बार किसी चैप्टर के अंदर, तो मैंने बताया था कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए काम आता है, कंट्रोल आई इटैलिक और कंट्रोल यू जो होता है हमारे पास में किस काम आता है, ठीक है, अंडरलाइन करने के। तो यहां पे हमारे पास में कंट्रोल बी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड फॉर्म में करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन सॉर्टेड एंड डेल्ट विद एज अ यूनिट इन अ, किसके अंदर। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बस इतना सही अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसके अंदर रखी जाती है, फाइल के अंदर, जो कि किस फॉर्म में होती है, सॉर्टेड फॉर्म में होती है और डेल्ट विद अ यूनिट और एक यूनिट की तरह बिहेव करती है। तो ऐसा किसके अंदर होता है, फाइल के अंदर होता है। नेक्स्ट, डाटा नहीं होता है, देखो डाटा मैं आपको बता चुका हूं, डाटा केवल कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का, या फिर हम कहें तो जो भी आप देना चाहते हो उसके कलेक्शन को डाटा कहते हैं हम, ठीक है। डिस्क और फ्लॉपी आप जानते हो, बताने की जरूरत है नहीं। एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, एमएस वर्ड किसका एग्जांपल है, क्या है एमएस वर्ड, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, क्या है एमएस ऑफिस, मेरे हिसाब से आप सबको पता होगा एमएस ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये एक, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और प्रोसेसिंग डिवाइस तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज योर पोजिशन इन द टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट के अंदर आपकी पोजीशन कौन बताता है, तो आपके टेक्स्ट के अंदर आपकी पोजीशन बताने के लिए एक ब्लिंकिंग पॉइंटर होता है, ऐसे ब्लिंक करता रहता है ये बार बार, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्सर, क्या बोलते हैं इसको, कर्सर बोलते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे पास में है विच एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका यूज करोगे, पावर पॉइंट का यूज करोगे। यहां तक मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी, चलिए आगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर बताने की जरूरत नहीं है, आउटलुक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फोटोशॉप एक अलग चीज होती है, बिल्कुल अलग सॉफ्टवेयर होता है फोटोशॉप, जिसमें जाकर के आप किसी भी फोटो को एडिट कर सकते हैं। आप जितने भी बाहर जाकर फोटो खिंचाते हैं वो पहले आपके फोटो को फोटोशॉप में जाके एडिट करते हैं, कोई काला है तो उसको गोरा कर देंगे, ठीक है, बैकग्राउंड है तो उसको चेंज कर देंगे। तो ये सब चीजें किसमें होती है, फोटोशॉप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्विकेस्ट एंड ईजिएस्ट वे इन वर्ड टू लोकेट अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट इज टू यूज द कमांड। तो हमारे पास में क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से हम एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में क्विकेस्ट एंड ईजिएस्ट वे इन वर्ड, वर्ड आपके पास में क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्विकेस्ट और ईजिएस्ट वे क्या करने के लिए, टू लोकेट अ पर्टिकुलर वर्ड, किसी पर्टिकुलर वर्ड का पता लगाने के लिए, क्योंकि वर्ड की जो फाइल बनाई मैंने बहुत बड़ी बनाई, उस बहुत बड़ी फाइल में मुझे एक पर्टिकुलर कोई वर्ड चाहिए था जो मुझे ढूंढना था, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं फाइंड करूंगा और उसके अंदर वो पर्टिकुलर वर्ड लिखूंगा तो अपने आप मेरे पास में क्या हो जाएगा, वो वर्ड जहां जहां भी होगा वो हाईलाइट होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, फाइंड करेंगे। रिप्लेस, इसका मतलब भी बता देता हूं, जब भी रिप्लेस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई स्पेलिंग लिख दी, जैसे आपने कहीं पे लिख दिया जयपुर लिख दिया, सपोज अगर आपने जयपुर लिख दिया कहीं पे और जयपुर में आगे ए और आ गया, जयपुरा हो गया ये, ठीक है, और पूरे डॉक्यूमेंट में वो जयपुरा चल रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, उस जयपुरा को करेक्ट करके जयपुर करना है, तो आप रिप्लेस में जाकर के जयपुरा की जगह जयपुरा पुराना वर्ड और न्यू वर्ड में उसको जयपुर लिख देंगे, और फिर जैसे ही सबमिट करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी जयपुरा लिखा होगा वहां सब जगह क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वुड यू मस्ट लाइकली यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द, क्या कह रहा है ये, बिलिंग अकाउंट, बिलिंग अकाउंट का हिसाब रखने के लिए, पता करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। तो बिलिंग अकाउंट का इस्तेमाल, बिलिंग अकाउंट जो हमारे पास में उसका पता करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होगा, स्प्रेडशीट डेफिनेटली, क्योंकि जितना भी डेटाबेस स्टोर हो रहा है वो सब किसके अंदर जाके हो रहा है, एक्सेल के अंदर जाके हो रहा है, और एक्सेल में क्या बनती है, स्प्रेडशीट्स बनती हैं,
ठीक है, तो वहां जाकर के मैं पता लगा सकता हूं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर बास डॉक एंड एचटीएम एग्जांपल्स ऑफ, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, ये जितने भी नाम मैंने यहां बोले हैं ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये सब क्या हैं, एक्सटेंशंस हैं। अभी आपको डॉक एक्सटेंशन बताया था ना मैंने, ऐसे ही एसटीएम भी एक एक्सटेंशन होता है, ऐसे ही बीएएस भी एक एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, एक्सटेंशन है जो कि फाइल की लोकेशन बताने का काम करते हैं या फाइल का टाइप बताने का काम करते हैं कि फाइल किस टाइप की है और उसका पाथ भी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ डैश इज अ यूनिक नेम दैट यू गिव टू अ फाइल ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है वो, अ डैश इज अ यूनिक नेम, क्या है, एक यूनिक नेम है। तो भाई इसके लिए आंसर सीधा सा है, फाइल नेम। फाइल नेम ही एक ऐसा यूनिक नेम है दैट यू गिव टू अ फाइल ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि आप उसको देते हो जिससे उसका कंप्यूटर में पहचान होती है। ठीक है, और किस तरह की फाइल है ये कौन बताता है, फाइल एक्सटेंशन बताता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एडिटिंग डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ रीडिंग थ्रू द डॉक्यूमेंट यू हैव क्रिएटेड देन। अगर आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उस डॉक्यूमेंट को यदि आप एडिट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से उसे क्या करना पड़ेगा, आपको करेक्ट करना पड़ेगा योर एरर को। मतलब आप किसी भी बनाए हुए डॉक्यूमेंट को एडिट कब करोगे, जब आपने या तो उसके अंदर कोई चेंज करना है या फिर कोई एरर जो हो गई है उसको सही करना है। तो यहाँ पे आप किस काम के लिए करोगे, प्रिंटिंग के लिए करते नहीं हो एडिट, जो आपके पास में डिफीटिंग इट करने के लिए भी नहीं करते हो, सेव करने के लिए भी नहीं करते हो, आप क्या करते हो, करेक्ट योर एरर्स, अपनी एरर्स को सही करने के लिए आप ये काम करते हैं। ठीक है, तो कहने की बात है ये सब चीजें आपको पता है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ डेटाबेस डैश फील्ड्स स्टोर नंबर्स यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन, कौन सी की है। तो मेरे हिसाब से ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो नंबर कैलकुलेशन को परफॉर्म करती है वो कौन सी की है, दैट इज न्यूमरिक की, न्यूमरिक फील्ड, जिसको कि आप फंक्शन भी बोलते हैं, fx लिखा रहता है वहां पे। एक्सेल के अंदर डेटाबेस का मतलब किसकी बात हो रही है, एक्सेल की बात हो रही है। तो एक्सेल के अंदर न्यूमरिक फील्ड स्टोर न्यूमरिक वैल्यू यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए एक न्यूमरिक फील्ड होती है। जैसे फंक्शन होता है हमारे पास में, फंक्शन के अंदर आप कोई भी फॉर्मूला लिख देते हो तो वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है उस पर्टिकुलर सेल या कॉलम पे। ठीक है, कॉलम या रो या पर्टिकुलर सेल पे वो फॉर्मूला क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएट विद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट, किसको छोड़ के। देखो, वर्कशीट किसके अंदर बनती है, स्प्रेडशीट में बनती है, सेल भी स्प्रेडशीट में होता है, फॉर्मूला भी उसके अंदर लिखा जाता है, बस वायरस डिटेक्शन का काम नहीं होता। किसके अंदर नहीं होता, स्प्रेडशीट के अंदर वायरस डिटेक्शन का काम नहीं होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, वायरस डिटेक्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंप्यूटर फाइल, कंप्यूटर फाइल के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है। तो कंप्यूटर फाइल के बारे में क्या सही नहीं है, अ फाइल एक्सटेंशन इज स्टेबलाइज्ड बाय द यूजर टू इंडिकेट द फाइल कंटेंट्स। ठीक है, एक तो इसको रख लेते हैं, पहला पढ़ते हैं, दे आर कलेक्शन ऑफ डेटा सेव टू अ स्टोर्ड मीडियम। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंप्यूटर फाइल, कंप्यूटर फाइल के बारे में कौन सा डेटा ऐसा है जो सही नहीं है। तो पहला बिल्कुल सही है कि दे आर कलेक्शन ऑफ डेटा सेव टू अ स्टोर मीडियम, स्टोरेज मीडियम। सेकेंड, एवरी फाइल हैज अ फाइल नेम, बिल्कुल सही है। अ फाइल एक्सटेंशन, अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंप्यूटर फाइल, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, अ फाइल एक्सटेंशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूजर इन टू इंडिकेट द फाइल कंटेंट। देखो, फाइल कंटेंट को इंडिकेट के लिए उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है ये कंप्यूटर देता है, हम नहीं देते, यूजर नहीं देता है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, फाइल यूजुअली कंटेंट देगा, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, सी, फाइल एक्सटेंशन हम नहीं देते, जिस भी चीज में जाकर के, जिस भी सॉफ्टवेयर में जाकर के हम जो भी चीज करते हैं उसी के एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग वो फाइल का नाम क्या होता है, सेव होता है। ठीक है, अगर टेक्स्ट फॉर्म में है तो टेक्स्ट में सेव होगा, अगर डॉक में है तो डॉक में सेव होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में कि द मेन डायरेक्टरी ऑफ अ फाइल इज कॉल्ड डैश डायरेक्टरी। जो मेन डायरेक्टरी होती है उसको क्या बोलते हैं, हम लास्ट क्लास में भी पढ़ के आए थे, उसको रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, जो कि मेन मेमोरी में मेन फोल्डर के अंदर होती है। मेन फोल्डर को क्या कहते हैं, रूट डायरेक्टरी, क्योंकि सारा की सारा डेटा वहीं जाकर के क्या होता है, सेव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन कह रहा है टू ऐड और
पुट इंटू योर डॉक्यूमेंट सच एज अ पिक्चर और टेक्स्ट, किसका यूज करके हम ये सारी चीज कर सकते हैं? तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, इंसर्ट का यूज करके ये सारी चीज कर सकते हैं। कुछ भी पुट करना है या एड करना है, चाहे डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में, चाहे टेक्स्ट की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड? स्टोरेज डिवाइस का मेन फोल्डर क्या कहलाता है? तीसरी बार आ रहा है आई थिंक ये क्वेश्चन, रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज डैश कमांड एट फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में जाके कौन सा कमांड करना पड़ेगा आपको अगर क्रिएट करना है डॉक्यूमेंट को? तो क्रिएट करने के लिए न्यू, खोलने के लिए ओपन, बंद करने के लिए क्लोज, और उसको सेव करने के लिए सेव। ठीक है, तो यहां आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास में, न्यू। यहां आंसर क्या आ जाएगा, न्यू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एन डैश इज क्रिएटेड बाय एन एप्लीकेशन। क्रिएटेड बाय एन एप्लीकेशन, क्या चीज क्रिएटेड बाय एन एप्लीकेशन? तो डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड बाय एन एप्लीकेशन। कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है वो एप्लीकेशन के द्वारा बना, क्या एक्सटेंशन बनाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों गलत, और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी नहीं। क्या बनाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं किसके द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा। फाइल्स बनाई जाती हैं किसके द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा। यहां तक क्लियर है? चलिए फिर आगे आते हैं, टू डिफरेंट फाइल्स कैन हैव द सेम नेम। यस, मैं पहले ही बता देता हूं, कोई भी दो फाइल का नाम सेम हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, तब हो सकता है देन देयर आर डिफरेंट फोल्डर। जबकि वो अलग अलग फोल्डर में हो, तो अलग अलग फोल्डर में दो फाइल्स अगर हैं तो उनका नाम सेम हो सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, मीनिंगफुल फाइल नेम हेल्प इन ईजी फाइल, क्या चीज करने में, मीनिंगफुल फाइल नेम। अगर हम कोई का नाम रख रहे हैं, किसी फाइल का नाम रख रहे हैं, तो वो इजी फाइल का क्या बताएगी, आइडेंटिफिकेशन बताएगी। ये बता देगी इजीली कि भैया इस फाइल का आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये कहाँ मौजूद है ये वाली फाइल। ये कब बता पाएगी वो, जब आप उस फाइल को नेम देंगे, अदरवाइज नहीं बता सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ प्रोग्राम दैट अनेबल्स यू टू परफॉर्म कैलकुलेशन। मेरे हिसाब से यहां तक ही बहुत है, उसके आगे रो और कॉलम भी लिखा है, इसका मतलब कैसा प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। कैसा प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। आगे चलते हैं, टू डैश अ डॉक्यूमेंट मीन्स टू मेक चेंजेस टू इट एग्जिस्टिंग कंटेंट। क्या करने के लिए, एग्जिस्टिंग कंटेंट को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एग्जिस्टिंग कंटेंट को चेंज करने के लिए आपको उसे एडिट करना पड़ेगा, फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। और एडिट करने के बाद दोबारा से उसे चेंज करने, उस चेंज को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे सेव करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, पीरियोडिकली एडिंग चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल अपडेटिंग। क्या कहते हैं उसको, अपग्रेडिंग या अपग्रेडिंग, क्या कहोगे इस चीज को आप? देखो दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। किसी भी फाइल को ऐड करना, चेंज करना और फाइल रिकॉर्ड को डिलीट कर देना, ये सब किसके अंदर आएंगे, अपडेटिंग के अंदर आएंगे। मतलब आप क्या कर रहे हो, कंटेंट को बार बार अपडेट कर रहे हो, अपग्रेड सॉफ्टवेयर को किया जाता है। ठीक है, अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर को, बिल्कुल ठीक। अपग्रेड क्या होता है, किसी चीज का हायर वर्जन क्या कहलाता है, अपग्रेड कहलाता है। ठीक है, जैसे पहले रोबोट मूवी आई थी, तो फिर उसका रोबोट मूवी के बाद उसका अपग्रेडेड वर्जन क्या हो गया, रोबोट 2.0 आ गया ना। तो ये अपग्रेडेड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन नहीं है, ये अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, अपडेट कर रहे हैं हम। अगर ऐड करने के बाद चेंज कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं, इसका मतलब हम पर्टिकुलर फाइल रिकॉर्ड को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। अपडेट मतलब प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से क्या होना चाहिए, अपडेट आज की डेट तक क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डू यू सेव अ प्रेजेंटेशन अंडर अ न्यू फाइल। आप किसी नई फाइल में प्रेजेंटेशन को कैसे सेव कर सकते हो भैया? तो सेव करने का तो एक ही तरीका होता है ना, सेलेक्ट द फाइल मेन्यू एंड चूज सेव एज। यहां तक क्लियर है, ये तो एक ही तरीका है आपके पास में, सेलेक्ट द फाइल मेन्यू एंड चूज सेव एज। ठीक है, तो यहां तक अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। How do you save a presentation under a new file name? New file name, under a new file name.
अगर ये न्यू नहीं होता, अंडर अ फाइल नेम होता, तो इसका मतलब हम चूज सेव करते, लेकिन न्यू फाइल नेम मतलब वो पहले से ही किसी फाइल नेम से सेव है, हम उस फाइल नेम का नाम चेंज करके उसको नया नाम देना चाहते हैं, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सेव एज करना पड़ेगा। तो ये एक वर्ड की वजह से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अदरवाइज आंसर क्या आ जाता है, सी, लेकिन अभी क्या आएगा, ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, सेविंग इज द प्रोसेस ऑफ, क्या होती है सेविंग प्रोसेस, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को सेव करना, यही पढ़ा था ना हमने स्टार्टिंग में। तो कॉपिंग अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू अ स्टोरेज मीडियम, स्टोरेज मीडियम हमारा कौन होता है, हार्ड डिस्क, और मेमोरी कौन होती है, रैम। यहां तक मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी, चलिए आगे चलते हैं। व्हेन कंप्यूटर यूजेस डैश अ डॉक्यूमेंट दे चेंज इट अपियरेंस, क्या कह रहा है वो, व्हेन कंप्यूटर यूजर्स डैश अ डॉक्यूमेंट, क्या करता है कंप्यूटर यूजर डॉक्यूमेंट के साथ, जब कंप्यूटर यूजर डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करता है, दे चेंज इट अपियर्स, वो उसकी क्या चेंज कर सकता है, अपियर्स। देखो फॉर्मेट करने से क्या चेंज होती है, अपियरेंस, मतलब फॉर्मेट करने में हम क्या करते हैं, उसका अलाइनमेंट, उसकी बॉर्डर, मार्जिन, ये सब चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन जब कंटेंट के साथ छेड़खानी करते हैं, मतलब हम उसे क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसकी अपियरेंस के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वॉट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू प्रिंट, प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू काम आता है। मेरे हिसाब से एक बार में आपको इसका आंसर देना चाहिए, एंड द आंसर इज फाइल, फाइल मेन्यू में जाकर के आप प्रिंट करते हो, ठीक है। आगे आते हैं, अ सेव्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज अ, जो सेव डॉक्यूमेंट होता है उसको किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, फाइल की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और उस फाइल को हम एडिट भी कर सकते हैं आगे जाके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अ कमांड दैट टेक्स वॉट हैव बीन टाइप्ड इन टू द कंप्यूटर एंड कैन बी सीन ऑन अ स्क्रीन एंड सेंड्स इट टू द प्रिंटर फॉर आउटपुट ऑन पेज, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रिंट कराने की इस पूरी प्रोसेस को प्रिंट ही तो कहेंगे, दिखाने के लिए इतना बड़ा लिख दिया है, है कुछ भी नहीं। जब हम किसी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में टाइप करते हैं, उसके बाद उसको स्क्रीन पे देखते हैं और फिर प्रिंटर में ले जाके उसको टाइप करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंट बोलते हैं, कि हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड अ सेव्ड डॉक्यूमेंट इन द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड ब्रिंग इट अप ऑन द स्क्रीन टू व्यू, उसको क्या कहते हैं, उस डेटा को रिट्रीव करना, मतलब जो डेटा कंप्यूटर में जाकर के सेव हो गया है, उसे दोबारा कंप्यूटर से रिट्रीव करके स्क्रीन पे लेके आना, उसको हम रिट्रीव कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश अलाउज यू टू प्रिंट, क्या आपको प्रिंट करने के लिए अलाउ करता है, तो कंट्रोल पी दबाओगे तभी तो प्रिंट करने के लिए अलाउ कर पाओगे, यहां तक बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द डिफरेंट स्टाइल ऑफ लेटरिंग इन अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, क्या होता है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में अगर आपको डिफरेंट टाइप की स्टाइल की लेटर लिखने हैं, तो क्या क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, फॉन्ट में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। देखो ये क्या होता है, कैलीग्राफी क्या होती है, तो कैलीग्राफी आपको पता होगा, जो एप्पल के फाउंडर हैं हमारे, उन्होंने कैलीग्राफी की स्टार्टिंग करी थी एप्पल के अंदर, ठीक है। तो कैलीग्राफी होता है अलग अलग स्टाइल में वर्ड्स को लिखना, उसको कैलीग्राफी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉन्ट में करना पड़ेगा हमें, जो कुछ भी डिफरेंट स्टाइल लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू चेंज राइटिंग रिटर्न वर्क ऑलरेडी डन, जो काम पहले हो चुका है उसको चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, बी, एडिट करेंगे, क्या करेंगे, एडिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एग्जिट द प्रोग्राम विदाउट लीविंग द एप्लीकेशन, बिना एप्लीकेशन को बंद किए प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कार्ट अवे करना पड़ेगा। कार्ट अवे का मतलब होता है बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब इसको आप क्या भी बोल सकते हो, क्लोज करना पड़ेगा। बिना एप्लीकेशन को छोड़े हुए अगर किसी प्रोग्राम से बाहर आना है, तो कार्ट अवे करना पड़ेगा, जिसको हम क्लोज भी कहते हैं, मतलब हमें उस प्रोग्राम को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के, आखिरी क्वेश्चन कह रहा है, अ कमांड दैट सेव्स व्हाट यू आर वर्किंग ऑन इनटू द हार्ड ड्राइव और ऑन टू अ डिस्क,
हार्ड ड्राइव या डिस्क के ऊपर जो भी आप काम करते हो उस काम को सेव करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, उसके लिए आप सेव कमांड का यूज करेंगे। तो फिर चाहे आप हार्ड डिस्क पे काम करो या फिर आप डिस्क पे काम करो, किसी पे भी काम करो, आप उस कंटेंट को क्या कर लेंगे? सेव कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, हम एक और क्लास लेके आएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर, ताकि हमारे कंप्लीट क्वेश्चन कवर हो सके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर। और ये मान के चलिए कि कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे YouTube चैनल को प्यार देते रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।